बीए फर्स्ट ईयर में। आज हम आपको कार्ल मार्क्स के जो शेष विचार हैं उनको बताते हैं, और यहाँ आज कार्ल मार्क्स पूरा हो जाएगा, यानी आपकी मार्क्सवादी विचारधारा पूरी हो जाएगी। तो मार्क्सवाद में हमने आपको बहुत कुछ बताया, हमने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बताया, द्वंद्ववाद को बताया जिसको हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं उसके बारे में बताया, कार्ल मार्क्स की हमने इतिहास की आर्थिक व्याख्या के बारे में विस्तार से बताया, कार्ल मार्क्स के जो धर्म पर हैं, राष्ट्रवाद पर हैं, प्रजातंत्र पर हैं, ये विचार भी हमने बताए। और आज हम बताते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है। अतिरिक्त मूल्य के बारे में ये बताया जाता है कि एक ऐसा मूल्य है जिसे पूंजीपति क्या है कि मजदूरों की मेहनत पर कमाता है और हड़प लेता है। इस पर मजदूरों का हक है, मजदूरों को मिलना चाहिए, लेकिन पूंजीपति जो कि कल कारखानों के मालिक होते हैं और गरीब मजदूर वर्ग इसका मालिक नहीं होता है, और इसीलिए उसको इस मूल्य से वंचित कर दिया जाता है, ऐसा मार्क्स का कहना है। तो मार्क्स ने इस अतिरिक्त मूल्य से पहले दो मूल्य और बताए हैं। एक तो मूल्य बताया है उपयोग मूल्य, कौन सा उपयोग मूल्य, दूसरा बताया है एक और मूल्य है उपयोग मूल्य के साथ विनिमय मूल्य, तो एक है विनिमय मूल्य। तो दो तरह के मूल्य होते हैं ऐसा मार्क्स कहता है, उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य। उपयोग मूल्य नाम से लग रहा है कि ये वस्तु की उपयोगिता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है विद्यार्थियों? उपयोगिता पर, कि कोई वस्तु एक व्यक्ति के लिए तो उपयोगी है लेकिन जरूरी नहीं है कि वह दूसरे के लिए भी उपयोगी हो। उदाहरण से समझ सकते हैं, रेगिस्तान में पानी का अभाव है तो वह पानी उपयोगी है, मूल्यवान है, लेकिन उस जगह पर जहां पानी बहुत आयत में है वह पानी का कोई उपयोग मूल्य नहीं है। एक व्यक्ति जो भूख से व्याकुल है, तड़प रहा है, उसके लिए तो भोजन का मूल्य हो सकता है, रोटी का मूल्य हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जिसने भरपेट भोजन कर लिया है विद्यार्थियों, उसके लिए भोजन का कोई मूल्य नहीं होता है। तो यही चीज है कि उपयोग मूल्य वो किस पर निर्भर करता है? वस्तु की उपयोगिता पर, कि वस्तु उपयोगी भी है या लाभदायक है या नहीं है। यदि वस्तु लाभदायक है, उपयोगी है, तो उसका मूल्य है, कीमत है, और यदि वो लाभदायक नहीं है तो उसका कोई भी मूल्य नहीं है। तो ये चीज आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक जाननी है, समझनी है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों कि एक तो होता है उपयोग मूल्य और दूसरा होता है विनिमय मूल्य, जिसको हम एक्सचेंज मूल्य भी कहते हैं और जिसको हम आदान प्रदान मूल्य भी कहते हैं। तो मार्क्स ये कह रहा है कि वस्तु को खरीदने में और वस्तु को बेचने में एक नया मूल्य जन्म लेता है जिसे हम एक तरीका से विनिमय मूल्य कहते हैं। मान लीजिए कि दो गज कपड़ा है, और मान लीजिए कि दो गज कपड़ा के साथ साथ दो गज कपड़ा हो और एक मन गेहूं। मार्क्स ये कह रहा है कि एक दो गज कपड़ा है और दो गज कपड़े के बदले में मान के चले एक मन गेहूं आता है, या जो कह ले कि एक मन गेहूं के बदले में दो गज कपड़ा आता है, तो ये क्या है? उसका विनिमय मूल्य है, एक्सचेंज मूल्य है, आदान प्रदान मूल्य है। तो मार्क्स ने इस विनिमय मूल्य के माध्यम से ही अतिरिक्त मूल्य के जन्म की बात कही है कि वस्तु को खरीदने और बेचने में एक नया मूल्य जन्म लेता है जिसे हम अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। इसके बारे में मार्क्स ने उदाहरण दिए हैं, कई सारे उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण मार्क्स ने क्या दिया है विद्यार्थियों? मार्क्स ने उदाहरण दिया है, एक पेन का भी उदाहरण दिया है और एक साड़ी का भी उदाहरण दिया है। पेन के लिए कह रहा है कि एक पेन जिसकी कीमत बाजार में 10 रुपए है, लेकिन उसकी जो कच्चा माल और लागत सहित तो उसके 2 रुपए कीमत है, 2 रुपये मूल्य है लागत और कच्चा माल।
यानी उसकी तैयार करने में किसी वस्तु को, पेन को, एक वस्तु को तैयार करने में क्या लग रहा है, 2 रुपए का मूल्य खर्च हो रहा है या 2 रुपए लागत लग रही है, लेकिन बाजार में उसी पेन को 10 रुपए में बेचा जा रहा है। तो यहाँ जो अंतर दिखाई दे रहा है कितना, 8 रुपए का जो अंतर यहाँ आ रहा है, ये मार्क्स की दृष्टि में क्या है, अतिरिक्त मूल्य है। क्या है विद्यार्थियों, अतिरिक्त मूल्य है। ऐसी एक साड़ी के बारे में मार्क्स ने कहा है कि एक साड़ी जिसकी बाजार में कीमत क्या है, 500 रुपये है, लेकिन इस साड़ी को 200 रुपये में बनाया जाता है किसी फैक्ट्री में, 100 रुपये की तो इसमें मजदूरी दी जाती है और 100 रुपये ही मान लीजिए कि इसमें धागा या कच्चा माल लगता है। तो इस तरीका से 200 रुपये इसका क्या हो गया, लागत मूल्य हो गया। लेकिन मार्स ये कह रहा है कि इसको बाजार में कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 500 रुपये में बेचा जा रहा है। तो जो 300 रुपये का जो अंतर है विद्यार्थियों, ये मार्स की दृष्टि में क्या है, अतिरिक्त मूल्य है। क्या है, अतिरिक्त मूल्य है। मार्क्स ये कहता है कि अतिरिक्त मूल्य मजदूर को नहीं दिया जा करके पूंजीपतियों के द्वारा हड़प लिया जाता है, मजदूर से ज्यादा काम कराया जाता है और कम मजदूरी दी जाती है। तो एक तरह से ये जो अतिरिक्त मूल्य जो जन्मा है, मजदूर की मेहनत से जन्मा है, तो क्यों ना ये मजदूर को मिलना चाहिए। तो यह अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे पूंजीपति पथ कर के रूप में वसूल करते हैं। क्या समझे, अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे पूंजीपति एक टोल टैक्स के रूप में या पथ कर के रूप में, अतिरिक्त मूल्य के रूप में वसूल करते हैं, ऐसा मार्क्स ने अपने इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में बताया है। कार्ल मार्क्स ये बताना चाह रहे हैं कि अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से कि कैसे पूंजीपति मजदूरों की मेहनत की कमाई को हड़प लेते हैं या उसकी मेहनत के अनुसार उसको मुआवजा नहीं देते हैं और उन्हीं की मेहनत से ज्यादा पैसे वाले बनते जाते हैं। तो ये क्या परिणाम निकलता है इस चीज से कि मजदूर तो और गरीब होता जाता है और पूंजीपति और अमीर होता जाता है, ऐसा मार्क्स ने अपने इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में समझाया है। पेन का उदाहरण दिया, गेहूं का उदाहरण दिया और इसमें एक साड़ी का उदाहरण दिया। इन सब से क्या लगता है विद्यार्थियों कि मार्क्स ने शोषण की प्रवृत्ति को बताया है कि कैसे पूंजीपति मजदूरों का शोषण करते हैं। अब इस अतिरिक्त मूल्य के आलोचक भी हैं विद्यार्थियों, वो ये कहते हैं कि मार्क्स सिर्फ लाभ को अतिरिक्त मूल्य कहता है, लेकिन एक वस्तु को बनाने में जो मजदूर को पैसा दिया जा रहा है, मजदूरी दी जा रही है, कच्चा माल जो खर्च किया जा रहा है, उसके अलावा बहुत सारी चीजों पर भी पैसा खर्च करना पड़ता है। बीमारी के, बेकारी के बीमे बहुत तरीका के होते हैं जिन पर एक फैक्ट्री मालिक को खर्च करना होता है। किसी कर्मचारी के या मजदूर के अपंग होने की स्थिति में उसको हर्जाना देना होता है। वस्तुओं के साथ ही साथ यो कहें कि वस्तु खरीदने में एक पूंजी जुटानी होती है और अतिरिक्त उसके लिए ब्याज भी देना हो सकता है। साथ ही साथ उपयुक्त वस्तु के लिए क्या है कि कच्चे माल जुटाने के लिए बाजार तलाशना है, वस्तु को भेजना है। तो इन सब की तरफ मार्क्स ने कोई ध्यान नहीं दिया है और संपूर्ण जो क्या है कि जो लाभ है उसको अतिरिक्त मूल्य बता दिया है, जो कि आलोचकों की दृष्टि में सही भी नहीं है। तो इसीलिए मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना हुई। मार्क्स इस चीज को भूल जाता है कि वस्तु का मूल्य श्रम से तय होता है, कि किसी वस्तु का मूल्य उस पर खर्च किए गए मानव श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। लेकिन आप भी जानते हैं विद्यार्थियों, मानव श्रम के साथ साथ मजदूरी के साथ साथ बौद्धिक श्रम भी होता है, मानसिक श्रम भी होता है, जिसका मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया है और इसलिए मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। मार्क्स जो ये कह रहा है कि संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य एक तरीका से मजदूर की मेहनत से जन्म लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो एक तरीका से जो अतिरिक्त खर्च किया जा रहा है
फैक्ट्री मालिक के द्वारा उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से मार्क्स यही समझाने का प्रयास कर रहा है कि मजदूर को कम मजदूरी दी जाती है और उससे काम ज्यादा कराया जाता है, ये प्रवृत्ति शोषण को जन्म देती है। लेकिन आलोचक इस चीज को सही नहीं मानते हैं। आलोचक कहते हैं कि मजदूर को मेहनत की जो मजदूरी दी जाती है उसके अलावा पूंजीपति को और भी चीजों पर पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसका मार्क्स ने अपने सिद्धांत में कहीं कोई वर्णन नहीं किया है। तो मार्क्स इस अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से शोषण की प्रवृत्ति को उचित ठहरा रहा है। मार्क्स ये कह रहा है कि ये जो शोषण है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक तरीका से जो माने कि मजदूरों का अत्याचार बढ़ जाएंगे, मजदूरों पर अत्याचार बढ़ जाएंगे, शोषण बढ़ जाएगा, तो फिर मजदूर क्या करेंगे, संगठित होंगे, क्रांति करेंगे और पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा मार्क्स कह रहा है। लेकिन इसके लिए मार्क्स ने पूंजीपतियों से क्या है, एक तरीका से ये कहा है कि पूंजीपति एक तरीका से मजदूरों का शोषण ना करें, और मजदूरों के लिए क्या कहा है कि विश्व के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हें अपनी बंधन श्रृंखला के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है, और पाने के लिए और जीतने के लिए सारा संसार पड़ा है, ऐसा मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत में बताया है। तो यहाँ मार्क्स का ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत विद्यार्थियों पूरा होता है। इसमें हमने गेहूं का उदाहरण दिया, इसमें हमने क्या है कि पेन का उदाहरण दिया, एक साड़ी का उदाहरण दिया, और इस चीज से क्या लगा कि कम मजदूरी दी जाती है, ज्यादा लाभ कमाया जाता है, और उस लाभ को पूंजीपति अपनी जेब में रख लेते हैं और इससे शोषण बढ़ता है, और एक तरीका से ये प्रवृत्ति गलत है।